seven chapters. Wow. तो आपसे हम सवाल कुछ पूछ सकते हैं? बल्कि मैं पहले आपकी अम्मी से सवाल पूछना चाहती हूँ. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बानिया आपका क्या रोल था बानिया की किताब को, इस किताब को लिखते में? Actually, when she was very small, तो बानिया बहुत छोटी थी, तो बानिया को तब से ही खिलौनों से ज़्यादा किताबों का शौक था. क्या बात है. तो शायद ये मैं थी जब वो बहुत छोटी थी, तो उसको बेड टाइम पे बुक रीडिंग कराना एंड ऑलवेज एक विक्टोरियन बुक दिखाना, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना, उसको स्टोरीज सुनाना. तो आई वांट टू हियर टू सी ऑलवेज इन बुक्स, लविंग बुक्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी टेल्ड ओवर देयर. तो ये भी तय है कि टीचर्स का अगर रोल होता है तो पेरेंट्स का ज़रूर होता है, कि बचपन में जो कहानियाँ सुनी होती हैं माँ बाप से या कोई सुनाना हो, कोई बच्चे का शौक हो, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो यकीनन वो आगे बढ़ती है. सो वानिया, व्हेन डू यू गेट टाइम टू राइट? एक्चुअली सब पूछते हैं, बच्चे उस समय इम्तिहानों में मसरूफ है, लिखने में, पढ़ने में, रटने में, तो व्हेन डू यू गेट द टाइम टू राइट? I write really fast, so before bed I always read books and I get some free time. So instead of playing, I take a pencil and paper and I start writing whatever comes to mind. Yeah, Bhakti. So she writes very fast, and instead of sitting and wasting time playing here and there, whatever comes to her mind she writes. Pencil and paper, keep it handy. Will students keep their pencil and paper handy जब ideas आए? क्योंकि आइडियाज को फॉरन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये भी हम वानिया से टोट के सीखे हैं. और वानिया, व्हाट आर द टिप्स फॉर यू गिवर्स? आई वुड एडवाइज यू टू रीड बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट एंड देन योर इमेजिनेशन विल गेट विविड एंड यू विल बी एबल टू राइट मोर स्टफ. और तुम आप कैसे थी? आप लोग सोने से पहले बुक्स पढ़ लिया करें और फिर स्कूल में आप लोगों के आप लोग और इतना लिख सकेंगे. सोने से पहले किताबें पढ़नी चाहिए. कितना ये लोग करते हैं? आप लोग किसी कोई करता है ऐसे कि रात को किताबें या कहानी पढ़ के इस पर सोए? आपको बजाय डोरी सुनने के आप किताबें पढ़ें और या कहानियाँ पढ़ें? आप में से कोई कहानी पढ़ता है रात को सोने से पहले? ओ, फॉर वन हैंड अनदर हैंड, जबरदस्त. सो ये जो एक आदतें है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वट के टिप्स समझ आ गई. और आपको और बताने की बात है, एनी अदर टिप्स? और बस काम है अमल. हाउ टू डू इट, हाउ टू फिनिश इट, हाउ टू परसिवियर. अपने जो काम करना है दिल से करें, फिर वो आप खत्म कर सकते हैं. ये सबसे प्यारी बात है. तो
big round of applause for Brill School for being here. This is your gift from the CAA. From और मानिया साहब अभी आप इधर ही रखिएगा और वो आपकी हेलो वो साइन करके आपको देगी. आप आ जाइए इधर दे दें मानिया विल गिव एंड गिव इट टू यू साइन. आपका क्या नाम है? रोहान जेरा. रोहान जेरा आ रही कौन से स्कूल से? अपने स्कूल के लिए ले जाएंगी मगर हम अभी कहेंगे वानिया से कि आपको साइन करके दें तो आप ये रिसीव कर लीजिए और इधर रख दें वानिया विल साइन एंड देन ये बना द स्कूल ओवर हियर. व्हिच स्कूल आर यू फ्रॉम? Okay, and what is your name? Maryam. Maryam Amir is receiving on behalf of Sanjay Nagar School. So, lovely Maryam, and you put it in your library and make sure that you read it. What age do you think is it? Also, anyone read it? But what's it? Five to 10 years. What's your class? Perfect. So, great, and we will have this sign and you will take it at the end of the session. Thank you so much. Wow. So, we have not one, but two authors. This is a session of inspiration.